मुल्क विच फौजी जवानों की शहादत ते सियासत तो बहुत होंदी है, वोटां बटोरियां जांदियां हन, शहीदां दे करजा सियासतदान मदद दे वड्डे वड्डे ऐलान कराउंदे हन, फोटो खिचवाउंदे हन, खबर लगती है, पर मदद दे दावे इन्हां खबरां च ही सिमट के रह जांदे हन। शहीदां दे परिवारां दे दुख सुनने वाला कोई नहीं। 1 नवंबर 1998 नूं जम्मू कश्मीर विच पुंछ च शहीद होए फौजी जवान रजिंदर सिंह दा परिवार अज भी सरकारी लारियां ते वादियां दे वफा होण दी उम्मीद ला चुका है। पलविंदर कौर उस वेले 5 महीनों की गर्भवती सी जदों सिर दा साईं मुल्क की राखी करदियां अपने प्राण निशावर कर गया। उसनूं शौर्य चक्कर नाल नवाजिया गया। 4 महीनों बाद घर पुत ने जन्म लिया तो उसकी जिंदगी सामने चुनौतियों की भरमार सी। इकली माँ ने घर का खर्च भी चलाना सी, पुत भी पालना सी, उसनू पंजाब सरकार वालों सरकारी मदद का इंतजार सी, पर 2 दहाके तो वध समा बीत चुका है, सरकार वालों मदद आई नहीं। 21 साल का हो चुका पुत हुण सरकारी नौकरी लई दफ्तर के धक्के खा रहा है। 21 साल तो इस परिवार की सरकार ने सार नहीं लई। परे मन नाल पलविंदर कौर कहती है कि उसके पति ने अतवादियों नाल मुठभेड़ दौरान 4 अतवादी मार के शहादत हासिल की सी। उसनू शौर्य चक्कर के नाल नवाजा गया, पर सरकारा ने उसकी शहादत नू नकार दिता है, वसार दिता है। असल विच ओह पंजाब सरकार दे अगस्त 1999 नू ऐलानी सन्मान की पॉलिसी के करके प्रभावित होए हन, जिस दी शर्तां मुताबक शौर्य चक्कर, कीर्ति चक्कर अते वीर चक्कर हासिल फौजी जवानों के परिवार सरकार वालों ऐलानी विशेष मदद वाली पॉलिसी तो बाहर रखे गए। हालांकि जून 27, 2000 नू इस पॉलिसी च बदलाव कर दिता गया, पर सरकारी कुंडियां च उलझे इस परिवार नू राहत दी ताणी किसी सिर बने नहीं लगी। हालांकि हुण 18 जून 2020 विच पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुठभेड़ च शहीद फौजी जवानों लई मदद की रकम 10 लाख तो 50 लाख कर दिती है। परिवारक मैंबर नू नौकरी का भी ऐलान किया है, पर इसलिए कोई टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं रख्या। मतलब पहला शहीद हुए फौजियों के परिवारों नू राहत मिलेगी या नहीं, इस बारे कोई स्पष्टता नहीं। इस परिवार का फौजी इतिहास रहा है। परिवार का बुजुर्ग उजागर सिंह ब्रिटिश आर्मी च तैनात सी। रविंदर सिंह हुण अपने पिता वांग सूबे च शहादत हासिल करन तो बाद रुल रहे 12 होर परिवारों की आवाज़ बनिया होया है। वह ट्विटर से वार विडो ऑफ पंजाब राही इन्ह सब का दर्द फरोल रहा है। इन्हों चो ही एक 11 सिख लाइट इन्फेंट्री का जवान रौनकी सिंह 12 अगस्त 1997 शहादत हासिल कर गया। उसनों भी शौर्य चक्कर मिलया। 4 धियां हुण उसकी विधवा इकली संभाल रही है। सरकारां वालों कोई मदद नहीं मिली। लुधियाणा के जगराओं च व्याही दलजीत कौर का कहना है कि मेरे सहुरिया ने उसके शहीद होने तो बाद मैनू घरों घर दिता। मैं अपने मापिया को बटाला आ गई। उसका कहना है कि मेरे पति की रेजिमेंट वालों जरूर मदद मिलती है, पर सरकार की उन्हां वल बेर हुई ही रही है। सरकारां इस मुतलक अपनी पॉलिसी के हवाले से गल टाल रही हैं, पर अपने अपनों मुल्क लई गवाच चुके परिवार सवाल पुछ रहे हैं कि उन्हां दा की कसूर है। हालांकि पंजाब डिफेंस सर्विस वेलफेयर के सकत्तर गुरकीरत कृपाल सिंह का कहना है कि उन्होंने वालों सरकार नूं पॉलिसी च बदलाव लई गुजारिश की गई है। हुण वेखना इस ते की फैसला लिया जाता है, पर एक ऐसी विडंबना है कि मुल्क की राखी लई जान कुरबान कर गए फौजी जवानों ते सियासत तां बहुत हुंदी है, पर इन्हां परिवारां दी बांह फड़न वाला कोई नहीं। जेकर तुहानूं साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो, शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।